ये खाना खा रही है, अपना खाना खा रही है यहाँ पे। वैसे भी करते हैं अपन हनुमान जी के पास। आज तक अपन ने देखा है कि कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से उतर कर आए मंदिर में और वापस जाते हैं तो चढ़ना पड़ा। देखिए दिखाइए इस जगह भी से नीचे। हाँ तो गाइस ये देखिए, ये है इधर सेल्फी जोन, यहाँ पे फोटो वगैरह कर सकते हैं। हाँ तो गाइस अभी आ गए अपन चक्करधारी, वहाँ पे चल रहे हैं हनुमान मंदिर, और इधर गए अपन बाला फोर्ट में। तो वहाँ का व्लॉग देखना चाहते हो तो कंप्लीट व्लॉग बना दिया वहाँ का, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ के जाके पूरा व्लॉग देख सकते हैं। बहुत ही शानदार किला है, मजा आ गया देखने में। तो अभी चल रहे हैं अपन हनुमान मंदिर, तो ब्लॉग में कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ का रास्ता, वो अपनी गाड़ी खड़ी है, वो भी आ रही है, गाड़ी दिखाइए, वो भी आ रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे इतना नेचुरल है तो यहाँ का थोड़ा सा पैदल चल के यहाँ का मजा ले लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पे गर्मी तो नहीं लग रही, धूप देखो बिल्कुल, आज का मौसम बिल्कुल शानदार हो रहा है। और भाई यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बता रखा है कि पैदल वगैरह चलना बिल्कुल मना है, लेकिन हम तो चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। हाँ तो गाइज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है चक्करधारी हनुमान जी मंदिर, बस आ गए। ये देखिए इनको भी पैदल ही चला रहे हैं, थक तो नहीं गए, उतरे तो रहे हैं गाड़ी से, वैसे थकने का कोई काम नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो गाड़ी अपनी हो गई, हमने बोला कि हम पैदल ही चलते हैं, आप चले। और यहाँ पे देखिए गाइज ये बना रखे हैं ना पानी का, जानवरों के लिए है, चिड़ी जानवर पानी पी ले यहाँ पे। और ये देखिए हिरन वगैरह घूमती रहती है यहाँ पे, तो उनके लिए बना हुआ है। और यहाँ पे पैदल चलना तो मना है, लेकिन हम तो चल रहे हैं भाई। और वहाँ पे देख सकते हैं पूरे अलवर का व्यू, और यहाँ पे जगह तो एक नंबर है ना, बिल्कुल एक नंबर है। घास, अरे घास वो गांव वाले बुला लेने, ओ तेरा गांव काट ले जाए पूरे घास को, ये गांव को खा जाए शेर। नहीं नहीं गांव को ही नहीं ले जाता, आजकल सब जगह है। हाँ तो गाइस अभी आप पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूरी पे और है, और अपनी कार पहुँच गई है वहाँ पे देखो लास्ट में। और अपने तिरंगा झंडा देखो, यहाँ पे भी तिरंगा लहरा रखा है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्लैग है, ये लगा रखा है, यही है शायद हनुमान जी में जय श्री राम। और इसमें देखिए घास खाती हुई हिरण, ये देखिए कितना शानदार व्यू यहाँ का। ये देखो गाइस इन्हीं के लिए बना रखा है, और ये यहाँ पे घास खा रही है, घास भी देख सकते हैं यहाँ पे, मजा आ गया ना ये सीन देखने में आपको। हाँ तो ये देखिए अपनी योगेश भाई जय श्री राम। ये नीचे भी मंदिर है, और यहाँ का भी देख सकते हैं, यहाँ तक ये किला से बना है, चौकी बाला किला, चौकी है बाला किला की, ये है जो चौकी बना रखी है यहाँ पे बाला किला की। देखो हवा बहुत ज़्यादा, और इधर जाना अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे निषेध लगा रखा है इधर जाना। और ये हैं हनुमान जी, चक्करधारी हनुमान जी मंदिर, और यहाँ पे देखते हैं। और वहाँ पे देखिए कितना शानदार नज़ारा है, हिरण चल रही है वहाँ पे घास, और गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी करते हैं। अभी चलते हैं अपन हनुमान जी मंदिर, और अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ का एक और नज़ारा व्यू, शानदार व्यू। और ये पानी पी सकते हैं अपन यहाँ पे, और ये देखिए आप बिल्कुल पास से, ये देखिए ये खाना खा रही है, अपना खाना खा रही है यहाँ पे, खाने के लिए कुछ है नहीं। ये देखिए गाइस व्यू, ऐसा व्यू आपने देखा है क्या? तो इस बात पे इस हिरण पे एक लाइक तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बहुत ही शानदार, और इसका घास देखो मजा आ गया ना देखने में, है भाई संजू? बिल्कुल मजा आ गया। और ये भी देखो अपने फोन में रील बनाने के लिए लग रहे, इनको खाने के लिए लाना चाहिए तेरे को कुछ। अरे यार खाने के लिए खूब है, अरे दौड़ राम भाई आ गए, देखते भाई ये देखो फोटो खिंचवा रही है, इनका कोई दिक्कत नहीं है, डरती नहीं है। देखो ये देखो बिल्कुल गांव। हाँ तो गाइस अभी पहुंच गए हैं अपन चक्करधारी हनुमान जी मंदिर, और कराता हूँ आपको दर्शन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। आ रही है
हाँ तो गाइस गेट में एंट्री कर लिए, आ जाइए दिखाते हैं। हाँ तो गाइस कैमरामैन इधर से जाइए और यहाँ पे लोगों को व्यू दिखा के आइए। भी करते हैं अपन हनुमान जी का। जय हो हनुमान। हाँ तो गाइस करा दिया आपको हनुमान जी के दर्शन और इधर देखते हैं यहाँ पे क्या है। इधर का व्यू और देखिए गाइस यहाँ पे इधर जंगल में घूमने के लिए है। यहाँ पे देखिए और पीपल का पेड़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है। हाँ गाइस अभी चलते हैं ऊपर की साइड में वापस से, आ गए। जय श्री राम का मंदिर कैसा लगा आपको? मंदिर तो मुझे जय श्री राम का बहुत ही, जय श्री राम का बहुत बड़ा फैन है भाई साहब। अभी मैं नहा धो के आता ना बंटन की एकदम जय श्री राम। था डैम से एक कॉल। अदरवाइज जाए मीटिंग के बाद चलते हैं वापस से, बैठते हैं गाड़ी में और आगे चलते हैं। कोशिश कर रहा हूँ तो गाइज यहाँ पे है ये इधर करणी सागर का रास्ता जा रहा है। करणी सागर कुंड है इधर कांसी के, तो अपन इधर दिख रहा है वहाँ पे छोटा सा वहाँ पे पानी भरा हुआ क्योंकि पहले बड़ा होगा। आई थिंक ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी यहाँ पे पानी बिल्कुल थोड़ा सा भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर से रास्ते में वापस आते टाइम है ये, तो अरे भी और आगे चलते हैं अपन आइए इस तरफ। ये देखिए हाँ तो गाइस जल्दी दिखाऊंगा आपको मंदिर करणी माता का दर्शन कराता हूँ, आ जाइए मेरे साथ। जाना पड़ेगा करणी माता का मंदिर नहीं, इनको बैठे हैं जैसे थक गए हो गाड़ी में आ रहे फिर गए लग रहा है। करणी माता के दर्शन करने चल रहे हैं कैसे थक गई? मुझे लग रहा है थक रहे हो, ऐसे आड़ा जैसे खाना नहीं खाया हो। नाश्ता कर लिया कड़ागंध करा नाश्ता फिर भी बता दू थक गया तू। एक बार मैं मेरे को देगी मोबाइल और मैं तेरा शूट करता हूँ बोल।
चंडी माता के सागर मेरा। प्यारी लग रही थी तो अभी और नीचे चल रहे हैं। अभी नीचे है करणी माता का मंदिर, तो अभी चल ही रहे हैं, अभी देखते रहते हैं कहाँ पे सब नीचे कहाँ सीख है। मजा आ रहा है ना, वो अपने शेर सिंह भाई देखे वहाँ तक पहुँच गए, अभी चल रहे हैं। हाँ तो भाई ये देखो यहाँ का नज़ारा देखो, बिल्कुल शानदार। बता दे समझो, एक रेशम ये देखो, तो यहाँ पे आया है, उसने मन्नत मांगी है कि मेरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर का ऐसा बंगला बने, थोड़ा ऐसी मेरी मन्नतें हैं वो पूरी हो, ऐसा करनी माता से बोलते हैं। जो अब हमने भी हमको बनाना चाहिए। अलग से ला पत्थर तेरे नहीं बनेंगे उसमें। हाँ तो भाई ये देखिए यहाँ का व्यू कितनी शानदार जगह में है, करणी माता का मंदिर तो नीचे है वहाँ पे, अभी सीढ़ियाँ पूरी हो रही है। हाँ जी, हाँ तो भाई ये देखिए यहाँ का लोकेशन, तो यहाँ की लोकेशन आपको बढ़िया लग रही है नहीं, मैं आपकी तरह सास में सही बढ़िया लग रही है। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, बैटरी डिस हो गई। क्यों कार खाना चाहिए अभी खाना खिलाया जाएगा इनको, करणी माता के दर्शन करा देते हैं एक बारी, तो आ जाइए पहले दर्शन करते हैं। खतरा होता है तो इससे आगे जाना बिल्कुल मना है, तो वापस चलते हैं उधर, माता का मंदिर उधर है, करणी माता का दर्शन करते हैं। यहाँ पे आने में बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो अभी आ रहे हैं इधर। ये देखिए यहाँ पे भाई बताइए माता रही मंदिर कहाँ पे है। ये जैसे अपन पहला गिला से नीचे उतरते हैं तो लगभग 4 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद में ये बीच रस्ते में और ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके तलाटी में ही ये मंदिर है, और नीचे से ऊपर आते हैं
जयपुर में है ना वो आम है, हाँ। तो भाई यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगा, और ये देख सकते हैं बिल्कुल शीश महल जैसा लग रहा है मेरे पीछे, और यहाँ का भी बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पे आने में। वहाँ पे बाहर से देखने में इतना अच्छा लग नहीं रहा था, लेकिन आने में वास्तव में बहुत मज़ा आ गया। तो ये मंदिर आप जैसे ही बालागढ़ फोर्ट के लिए आते हैं तो वहाँ पर रास्ते में आ जाए, और ये देखिए इधर फोर्ट, ये बाहर गार्डन से भी आए हैं अपने इधर से। पहले ये गेट आई थिंक इधर से था, लेकिन अब बंद कर दिया गया इसको। तो अभी चलते हैं उस तरफ, और उधर का व्यू दिखाता हूँ आपको, उधर क्या है वहाँ पे, जय करणी माता। वो आपने अंदर का व्यू तो देख ही लिया होगा, बहुत शानदार मंदिर है। तो अपन लोग दे लेते हैं जय करणी माता। तो भाई इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मज़ा आ रहा है ना, लोकेशन मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। और ये देखिए यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर, और ये भी शंकर भगवान का है, और ये इधर बड़ा है थोड़ा, ये छोटा है ये बड़ा है। और राम श्री करणी महाराज, ये देखिए ये करणी माता जी का मंदिर, जय श्री राम। करणी हनुमान जी, करणी हनुमान जी का मंदिर है, चलो जय श्री राम। तो देखिए गाइस ये कैसी अच्छी लोकेशन है, शानदार व्यू आ रहा है यहाँ का, मज़ा आ गया। ओके देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे, और इधर जाने का कुछ नहीं है, ये सीढ़ी है नीचे, उधर से भी आए हैं वो है ही यहाँ पे। और इधर देखते हैं ये क्या है, और यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। हाँ तो गाइस ये ऐसे कुछ नहीं है, पहले का है शायद, यहाँ पे भट्टी वगैरह है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो रखा है ना, तो यहाँ पे आई थिंक पहले भट्टी वगैरह कुछ थी यहाँ पे, तो अभी वो नहीं है। तो यहाँ पे अब है नहीं शायद, वो है भट्टी उट्ठी है शायद पहले, क्योंकि ऊपर दीवारें ब्लैक ब्लैक हो रखे ऐसे लग रहा है। तो भाई अभी चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। किया है करणी माता के दर्शन, तो यहाँ पे मंदिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। तो मंदिर तो हो नहीं होगा, लेकिन यहाँ की लोकेशन बहुत ही शानदार है, मज़ा आ गया। तो अभी यहाँ से दिखाते हैं कौन हाँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देना, एक छोटी सी जानकारी देता हूँ, ये है महाराजा प्रताप सिंह की छतरी, जिसका निर्माण महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था 18वीं सदी में, चरण पादुका लगी, तो उनके चरण पादुका इस पर लगी हुई। तो मनोज आपको दिखाएगा, दिखाई मुझे देखो गाइस ये लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मेंटेन कर नहीं कर रखा अच्छे से, देखिए ऐसे ही यहाँ का फर्श बिल्कुल ख़राब हो रखा है, वो देख सकते हो ऊपर का व्यू, और यहाँ पे बने हुए हैं ये देखो। हाँ तो गाइस ये देखिए अभी हैं अपन करणी माता के मंदिर में। तो आज तक अपन ने देखा है कि कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से उतर कर आए मंदिर में और वापस जाते हैं तो चढ़ना पड़ा। देखिए दिखाइए इस जगह भी गए, जब वहाँ से ऊपर से आए नीचे उतरते उतरते, तो नीचे आके लास्ट में वहाँ तक गए, नीचे देखिए नीचे वाले का ना वहाँ तक गए। तो अभी चलते हैं वापस से ऊपर अपनी कार के पास, और फिर देखते हैं अगर रास्ते में कोई लोकेशन अच्छी मिली तो फिर आपको लोग वहाँ का दिखाऊंगा आपको। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर की साइड में, आ जाइए। वापस आ गए वापस ऊपर।
हाँ तो वही जब चलते हैं नीचे वापस और देखते हैं बीच में कोई लोकेशन मिलते हैं और दिखाएंगे आपको। तो गाइस ये देखिए मैं एक और लोकेशन लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार। ये देखिए गंदा बना रखे हैं बिल्कुल यहाँ पत्थरों से, देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आ गया हूँ वहाँ पे, वो देखिए बाला किला दिखाइए एक बार। हाँ तो वहाँ तो मैंने पूरा ब्लॉग शूट कर लिया है, तो वो इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने दिखाया आपको यहाँ का चक्करदारी हनुमान जी मंदिर, उसके बाद दिखाया करणी माता का मंदिर, और अभी अपन जस्ट नीचे आ गए हैं लास्ट में। और यहाँ पे पास में एक यहाँ का ये था गार्डन सा, तो ये दिखा रहा हूँ आपको। और अभी इधर चलते हैं, इधर कैसा है वो लोग में बने रहे, ये वो लोग भी बहुत अच्छा जाने वाला है अपना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इधर चलते हैं, अभी इधर का देखते हैं आपको। एक बार ये है योगा जोन, यहाँ पर मैं अपनी बैठ के योगा कर सकती हूँ। हाँ तो गाइस यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल पैलेस है, यहाँ पे योगा कर सकते हैं। और यहाँ तो देखिए पानी का ही बना हुआ है, तो जो कि बहुत कचरा कर रहा है। हाँ तो गाइस अभी हैं अपन योगा जोन में, और यहाँ पे योगा कर लेते हैं थोड़ा सा। और योगा जोन में आए गए हैं तो योगा भी कर लेते हैं। और देखिए गाइस यहाँ पे बिल्कुल पत्थर है, और यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता भी है, देख सकते हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ग्रीनरी ज़्यादा दिखाई दे रही है वहाँ पर। उधर बाला किला है, बाला किला का भी नज़ारा बहुत शानदार है यहाँ से देखने में। और वहाँ पे हम आए गए थे तो ऐसे देखा कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है, तो उधर से निकल गए। तो वहाँ पे आए तो इधर इसका लास्ट आया ही नहीं, तो हमने चलते गए तो अभी लास्ट योगा जोन में पहुँच गए। और इससे आगे भी कुछ है, लेकिन अभी हम योगा जोन में बैठे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं आराम। तो ये देखिए ये आपको लकड़ी की लग रही होगी, लेकिन है नहीं लकड़ी की, ये सीमेंट की बनाई हुई है। अभी व्लॉग में बने रहे, अभी और देखते हैं उधर क्या है, तो आपको भी देखने को मिलेगा। तो आज का व्लॉग मज़ा आ रहा होगा आपको, तो इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे बने रहे कंटिन्यू। अभी चल रहे हैं आगे। हाँ तो भाई अभी चल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे यहाँ से, और वो भी दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ का नेचुरल नज़ारा, और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल गंदा हो रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे देखो जस्ट बाला किला, जस्ट ऊपर देखो बाला फोर्ट, बाला फोर्ट है। तो इस लोग में बने रहे अभी, तो अभी तो दिखाता हूँ आपको, अगर आगे जाता हूँ तो वो भी दिखाऊंगा। इधर है सेल्फी जोन है, सेल्फी जोन में चलते हैं, सेल्फी तो खींचना बनता है तो बनने में बोला नहीं चले। हाँ तो गाइस ये देखिए ये है इधर सेल्फी जोन, यहाँ पे फोटो वगैरह कर सकते हैं। देखिए ये बना रखे हैं यहाँ पे सेल्फी जोन, यहाँ पे फोटो वगैरह खींच सकते हैं। और इधर है वो मंदिर वगैरह जो बता रहे थे, तो चलिए आगे चलते हैं अपन और देखते हैं आगे क्या है। सेल्फी जोन से चलते हुए इधर आगे मंदिर वगैरह बता रहे हैं, और ये इधर फिर जाने का। और भैया अभी तो आगे रास्ता यहाँ पे लास्ट आया नहीं, रास्ता दिख ही रहा है, तो अपन भी चलते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। तो अपने को घूमने में मज़ा आ रहा है, धूप हो नहीं रही तो इसलिए यहाँ का मज़ा आ रहा है। तो घूमते रहिए, आप ही हमारे साथ घूमते रहो, क्योंकि आपको भी मज़ा आ रहा है। तो वो लोग में बने रहिए, अभी थोड़ा और आगे चलता हूँ। और एक सेल्फी जोन यहाँ पे भी है,
तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कुछ फोटोएँ, फिर वो लोग को करता हूँ मैं वापस से कंटिन्यू। ये देख सकते हैं, आप भी देख लो एक बारी। ये देखो, ये बिल्कुल है सीमेंट का, लेकिन लकड़ी का लुक बिल्कुल शानदार लग रहा है। ये देखो। हाँ तो गाइस, इस पार्क में घूम लिए और लास्ट में अपन आ गए, और यहाँ पे है एक बना हुआ है, तो यहाँ पे कुछ खाने का था हमारे पास, तो वो खा रहे हैं अभी, और फिर चलते हैं अपन वापस से रोड अपनी कार के पास। तो वो लोग बने रहे भी थोड़ा और, तो आ जाइए अभी। हाँ तो गाइस, खाना पीना हो गया है, तो अभी चलते हैं अपन अपनी कार के पास और वहीं पर बाहर चलते हैं अभी यहाँ से। तो चल रहे हैं अभी। संजू भाई आ जा, जल्दी आ जा। ऐसा मौसम एक नंबर हो रखा है, और अभी टाइम हो गया है 2:34। ये देखिए मेरा पावर बैंक, लैपटॉप को ही साथ ले रखा है। इस आईफोन में एक सिस्टम बढ़िया है, इसमें बस लैपटॉप का लॉक अनलॉक किए हुई, इसका लॉक ओपन नहीं है, वैसे ही है, और मोबाइल चार्ज लग रहा है। पावर बैंक इसके लिए बहुत अच्छा। तो ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं। हाँ तो गाइज, इस व्लॉग में मैंने दिखाया आपको, सबसे पहले दिखाया चक्करधारी हनुमान जी मंदिर, उसके बाद करणी माता का, और वहाँ से नीचे आने का पूरा रास्ता का दिखाया आपको। तो ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा जहाँ तक मेरे को पता है। और अभी दिखाया आपको ये यहाँ पे गार्डन बना रखे हैं नीचे, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।